वीडियो फॉर क्लास टू सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर. सो लेट स्टार्ट. ओपन लेसन फॉर पेज नंबर 35. लिंग मोर, नौकर, राजा, बैल, अध्यापक, शेर, यह सभी शब्द पुरुष जाति के हैं. यह पुल्लिंग शब्द है. मोरनी, नौकरानी, रानी. गाय, अध्यापिका, शेरनी, यह सभी शब्द स्त्री जाति के हैं. यह स्त्रीलिंग शब्द है. कुछ शब्द पुरुष जाति के होते हैं, जैसे घर, अखबार, पलंग, तथा कुछ शब्द स्त्री जाति के होते हैं, जैसे मेज, पुस्तक, चाय. लिंग से पता चलता है कि जिस की शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का. पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द. राजा, रानी, बैल, गाय, शेर, शेरनी, नौकर, नौकरानी. अन्य पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द. ये जो शब्द दिए गए हैं वो आप लोगों को घर पर पढ़ना है. स्मरणीय तथ्य. पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं. स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं. सभी संज्ञाएं या तो पुल्लिंग होती हैं या स्त्रीलिंग. लिंग से पता चलता है कि शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का. निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में विभाजित होती है. आइए अभ्यास पत्रिका में देखते हैं. नंबर 1, शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए. यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो आप लोग को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में फिलअप करना है. जैसे अभिनेता, अभिनेता पुल्लिंग में आएगा. अब बहन स्त्रीलिंग जाति में आएंगे. ठीक है, आइए नंबर 2 में देखते हैं. सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं. का नंबर, हिरण शब्द का लिंग होता, लिंग है पुल्लिंग. इसमें हम लोग टिक करेंगे. नंबर ख, रानी शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग. अध्यापक शब्द का लिंग है पुल्लिंग. चिड़िया शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग. आदमी शब्द का स्त्रीलिंग है औरत. लड़की शब्द का पुल्लिंग है लड़का. नंबर 2, जो चित्र स्त्रीलिंग है उन्हें चुनकर उन पर सही का निशान लगाएं. मैं एक करके दिखा रही हूँ. जैसे ये रानी है, ये स्त्रीलिंग है, इस पे हम लोग टिक करेंगे. आप लोग को नंबर 2 घर पर करना है. संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार है जो आप लोगों को कॉपी में नोट करके पढ़ना है. प्रश्न, लिंग किसे कहते हैं? उत्तर, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं. प्रश्न, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो. उत्तर, लिंग 2 प्रकार के होते हैं. 1 नंबर स्त्रीलिंग, 2 नंबर पुल्लिंग. प्रश्न, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो. संज्ञा के जिस रूप में स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे नारी, बहन, माता, रानी आदि. प्रश्न, पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो. उत्तर, संज्ञा के जिस रूप में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे नर, भाई, पिता, राजा आदि. शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना. पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं जो आप लोगों को कॉपी में नोट कर याद करना है. थैंक यू.